अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लास्ट टॉपिक इससे रेलिवेंट, इससे भी रेलिवेंट सवाल आता है, वो है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है ना, तो ब्लड ग्रुप्स के हवाले से हमने पढ़ना है आज कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और वो कैसे असाइन होते हैं, कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ए है, किसी का बी है, तो वो कैसे ऐसा ये ब्लड ग्रुप्स असाइन किए जाते हैं। अच्छा बच्चों, वैसे तो अपेरेंटली अगर आप सारों का थोड़ा थोड़ा ब्लड निकाल लूं मैं, तो कोई मिक्स कर दूं तो कोई पता नहीं चलेगा है कि किसका ब्लड कौन सा था। कलर सबका सेम है, वो सफेद खून वाले भी कुछ लोग होते हैं लेकिन वो महावरतन नहीं होते हैं। असल में सफेद खून उनका नहीं होता, महावरतन होता है, वो हरकतों की वजह से कहा जाता है कि सफेद खून। लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप्स असाइन किए जाते हैं, साइंटिफिकली इसकी क्या वजह होती है? वैसे तो अपेरेंटली ब्लड, इससे याद रखें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन पे खास किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है ना, उन प्रोटीन्स को एंटीजेंस कहते हैं, एंटीजेंस। उन एंटीजेंस की बेसिस पे हम लोगों को मुख्य तरह का ब्लड ग्रुप असाइन करते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर ले प्लीज, ब्लड ग्रुप्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ब्लड ग्रुप्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस, एक्सक्यूज मी जी, प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस ऑन द सर्फिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ब्लड ग्रुप्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस ऑन द सर्फेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ऑन द सर्फेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीजेंस, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीजेंस। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटीजेन। क्या कहते हैं? एंटीजेन। अच्छा अब ये याद रखें, दो तरह की एंटीजन होती है, गौर करना है। अगर एक बंदा है उसके ब्लड में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए, ब्लड ग्रुप ए। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी। अगर उसके एरिथ्रोसाइट्स पे यानी रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर उसके ब्लड में नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप ओ। तो ये आपने याद रखना है, इस पूरे सिस्टम को यानी इस बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप असाइन करते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम। दिस सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एंटीजन, देयरफॉर दिस सिस्टम इज कॉल्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इस वो बताता हूं, वो एक और फैक्टर होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है, उसको आरएच फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको एक टेबल से पूरी चीजें इंपॉर्टेंट समझाऊंगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस टॉपिक में, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम जो है एक टेबल बनाएं, ये टेबल आप बनाएं, मैं अभी बना रहा हूं। इसमें हम मुख्तलिफ कॉलम्स बना लेंगे, सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप का कॉलम होगा, इसमें हम लिखेंगे जितने ब्लड ग्रुप्स हैं उनके बारे में,
दूसरा कॉलम होगा एंटीजेंस का, टाइप ऑफ एंटीजेन। आपको पता है कि आपकी ब्लड में जो एंटीजेंस होती है उसके अगेंस्ट आपका जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो इसका मतलब है अगर एंटीजेंस है तो एंटीबॉडीज भी होंगी, तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, चौथा कॉलम ये बनेगा, तीसरा और चौथा कॉलम बनेगा कैन रिसीव फ्रॉम। वो ब्लड ग्रुप वाला बंदा किससे ब्लड ले सकता है, और आखिरी बनेगा कैन डोनेट टू, वो बंदा किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये चीजें पांच हमने डिस्कस करनी है, और ये पांचों चीजें बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसमें आप देखें जी, सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसमें एंटीजन ए हो, ठीक है, यही हमने पढ़ा था। इसमें एंटीबॉडी जो होगी उसको हम कहेंगे बी, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन के ऑपोजिट बनती है, ये ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडी बी होगी। अच्छा, ये किस किस से ब्लड ले सकता है, या तो ये ए वाले से ले सकता है या ओ वाले से ले सकता है, ठीक है, या ए वाले से या ओ वाले से, ये बी वाले से नहीं ले सकते, क्योंकि बी वाले की ब्लड में एंटीजन कौन सी होगी, बी, और एंटीबॉडीज ए होगी। अच्छा, अब ये डोनेट किसको कर सकता है, ये ए वाले को भी कर सकता है और ए बी वाले को भी कर सकता है। डोनेट करने के लिए जरूरी है कि वही एंटीजन जो है वो उस बंदे के अंदर ब्लड के अंदर मौजूद हो जो इसके ब्लड के अंदर मौजूद, तो वो ए वाले के अंदर भी है और ए बी वाले के अंदर भी है, तो ये ए वाले को भी डोनेट कर सकता है और ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी वाला है, ब्लड ग्रुप बी वाला जो है उसके जो एंटीजेंस है उसकी ब्लड ग्रुप में, वो बी एंटीजेंस होंगी, एंटीबॉडीज ए होंगी। अब वो किससे ले सकता है, बी वाले से और ओ वाले से, शाबाश। और वो डोनेट किसको कर सकता है, बी वाले को और ए बी वाले को, दैट्स, ठीक है, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आ गया जी ब्लड ग्रुप ए बी वाला, ए बी वाला ब्लड ग्रुप। अच्छा, अब जो ए बी वाला है इसमें एंटीजन है ए और बी, एंटीजेंस तो दोनों है, तो एंटीबॉडीज इसमें होगी या नहीं होगी, एंटीबॉडीज होंगी या नहीं होगी, नहीं होंगी, क्योंकि दोनों एंटीजेंस है ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी थी, दोनों की प्रेजेंस है तो एंटीबॉडी होगी नन, नो वन। अब ये रिसीव किससे कर सकता है, अब चूंकि इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो फिर ये हर एक से रिसीव कर सकता है, यानी ए वाले से भी, बी वाले से भी, ए बी वाले से भी और ओ वाले से। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर या रिसिपिएंट, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, हर एक से ब्लड रिसीव कर सकता है। ये दे किसको सकता है, ये दे सिर्फ ए बी वाले को ही सकता है, रिसीव ये हर एक से कर सकता है, लेकिन ये डोनर सिर्फ ए बी वाले का ही है। इसके बाद आ गया ब्लड ग्रुप ओ, तो ओ वाले में एंटीजिन है नो। अच्छा, अब इसमें एंटीजिन नन है तो एंटीबॉडीज इसके अंदर दोनों ही है, ए और बी, दोनों की एंटीबॉडीज मौजूद है। अब ये रिसीव किससे कर सकता है, ये सिर्फ ओ, यानी ए भी है और बी भी है, ये रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ वाले से, लेकिन ये दे किसको सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें बुनियादी तौर के ऊपर एंटीजन कोई भी नहीं है, तो ये हर एक को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए वाले को भी, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी और ओ वाले को भी, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, दिस इज यूनिवर्सल डोनर। तो ये आपने याद रखना है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है
ये यूनिवर्सल डोनर है, जो ए बी वाला है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है इसके वाला कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। जिस तरह एंटीजेंस होती हैं एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर, इसी तरह एक फैक्टर होता है, उसको हम कहते हैं आर एच फैक्टर, रिहेसिस फैक्टर। अगर ये किसी के ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच फैक्टर एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ये फर्दर डिवीजन है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, और अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव है। दिस इज द समरी ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और ये एक टॉपिक भी आ सकता है 5 नंबर का। तो ये हमारा जो ब्लड ग्रुप का टॉपिक है ये भी आज कंप्लीट हो गया, और इसमें हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में रेहेसिस, RHESUS, ये भी एक प्रोटीन है, रेहेसिस फैक्टर इसको कहा जाता है, और इसकी बुनियाद पे हम ग्रुप्स जो हैं वो असाइन करते हैं, ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। कंटेमिनेशन, अगर आप किसी ए वाले को बी ग्रुप लगा देंगे तो उसके ब्लड में क्लॉगिंग हो जाएगी, कंटेमिनेशन, उसकी डेथ हो जाएगी उससे। नहीं, अगर डिफरेंट पीपल के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, हाँ ए बी, तो उनके अपने इम्यून सिस्टम डिफरेंट नहीं, होते इम्यून सिस्टम में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो एंटीबॉडीज पे डिपेंड करता है, वो दूसरी एंटीबॉडीज होती है जो बीमारियों से बचाती है, IgG, IgM वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसकी रेयरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ओ पॉजिटिव जो है वो तो आम मौजूद है, ओ नेगेटिव जो है वो रेयर है, ए नेगेटिव भी रेयर है, ऐसे ही है। तो ये चीज, ये इस तरह फिर पॉजिटिव नेगेटिव होने से बाद उसके रेयर होना या इसके ज्यादा होने के चांसेस जो है वो मौजूद होते हैं। इसकी पिक्चर लेके शेयर कर दें जी। ये हमारा पूरा पूरा टॉपिक हो गया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, ये हमने कंप्लीट अलहमदुल्ला कर लिया। और काफी है और पढ़ना है बहुत। अच्छा, तो बच्चों ऑनलाइन आप अकेले ही हैं मेरा ख्याल है।